Hey guys, this is Feroz Khan. You're watching Something Hot. Stay tuned, subscribe, and hit the bell. Assalamualaikum, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. आज इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आई एम गोइंग टू ड्राइव स्ट्रेट इन. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड इंटरव्यू ऑफ द ईयर. बहुत सारी बातें हैं जो 2019 में शुरू हुई, 2020 तक चलती गईं. आई हैव विद मी फिरोज खान. हाय फिरोज, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? साल बाद बड़ी मुश्किल से वी आर हियर अगेन एट कोयल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर ईयर. I'm sitting at the same place just without my hair. We don't know that you have hair or you don't have hair. Yeah, I do have hair now. They're growing back. हाँ. Yeah. Let's start with your hair then. बहुत लोगों ने ये पूछा सवाल कि फिरोज ने why did you shave your head? Why did I shave my head? So I had gone to Hajj and I was committed doing my film and my drama. जी. So obviously, I mean, it's not possible you do it there and then. हाँ. But I requested Allah. I was like कि मैं वापस जाके अपनी कमिटमेंट ख़त्म करके. हाँ. Because हमने हमेशा ये सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन हुकूक अल्लाह माफ़ कर दूँगा. हाँ. तो मैंने बोला कि मेरी वजह से इतने सारे लोग प्रॉब्लम में ना आ जाएं जो. हाँ. सब शूटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आई वुड गो बैक एंड आई वुड डू इट. So I came back and I finished my projects, my commitments, and then I shaved it. तस्वीर बड़ी अच्छी थी हज वाली. Thank you. मुझे लगा जैसे कि Keanu Reeves type vibes थी. वो ली किसने थी तस्वीर? वो एक मेरे दोस्त हैं अजमल. अच्छा. उनके साथ मैं गया था तवाफ करने के लिए, तो उन्होंने वो फोटो ली थी. हाँ जी, हाँ जी. तो फिर वो वापस जाते हैं 2019 में. Yeah. It was a big year for you. 2019 was, I think, a very good year. आप यू हैड योर सन सुल्तान इन 2019. आपको लक्स चाइल्ड अवार्ड मिला फॉर योर परफॉर्मेंस इन खानी. इट वाज अ रियली बिग मोमेंट. आपका ड्रामा हिट हुआ. इट वाज अ आपने हज किया. सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ रियली गुड ईयर. एंड हज आई थिंक इज द मोस्ट फैसिनेटिंग. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड समबडी रियली क्लोज टू मी. सो आई वाज टोल्ड के यार वी विल गो नेक्स्ट ईयर. हां. एंड टुगेदर. सो आई वाज लाइक नो. And I was really like confident about it. I was like, no, not next year. Why? Because then what if I'm not able to go? Mm. And 2020 was only, I think, 10,000 people got to bilkul, do Hajj. Bilkul. And I was like, I still can't thank God. कि यार अगर मैं आपका लिखा था वक्त और आपको अभी भी नहीं पता कि वो खुल रहा है नहीं खुल रहा, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. बिल्कुल. So I think it was the best decision God made me do. Absolutely. Yeah. So Feroz, when you look back on 2020, yeah. इस साल के बारे में आप इस 2020 को कैसे याद करेंगे? अगले साल when you look back on 2020, how would you remember the year? I think 2020 would for me would be learning faith. Hmm. You know, all these difficult times, I think what got us through is faith. Hmm. Because anxiety took over, fears took over. Depression took over. Mm. And if you still made it through fit and fine and looking good and smiling and sure about, confident about what's coming ahead of you, I think that's faith over fear. So yeah. Right. Yeah. But आपका एक project बहुत super hit हुआ, इश्किया. अल्हम्दुलिल्लाह. और हम उस वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, but I think you were not in the right frame of mind at that time. Yeah. And you said कि we will do the interview, but not then. Yeah. जब इश्किया खत्म हुआ. और पहले इश्किया ख़त्म हुआ जब एयर हुआ उसी वक्त खुदार मोहब्बत की भी शूटिंग चल रही थी. तो यू वर ट्रैवलिंग अ लॉट और ये कैसा? इट वाज रियली अ हेक्टिक रूटीन फॉर मी बिकॉज़ ऑब्वियसली वी वर शूटिंग इन रियली सीरियस वेदर कंडीशंस. इवन दो अगेन माय लव फॉर सेवन स्काई एंड अब्दुल्ला गादवानी एंड असद कुरैशी इज क्रेजी बिकॉज़ हाउ दे टुक केयर ऑफ मी इन सो इन सच वेदर कंडीशंस एंड व्हाट नॉट. बट इट वाज रियली टफ ऑन मी टू बी ट्रैवलिंग back and forth. Then I had like obviously there was so much going on. इश्किया आप की बात करते हैं. पहले आपको अंदाजा था कि इश्किया इतना हिट होगा?
मुझे अंदाजा मैं आई ना आई एम नेवर आई लाइक नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट आई थिंक आई लाइक टू बी कॉन्फिडेंट बट विद इन माई स्किन राइट आई थिंक नॉट आउटसाइड लाइक आई डोंट लाइक टू वॉइस माई कॉन्फिडेंस ठीक है व्हाई बिकॉज आई थिंक आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज गुड ओवर कॉन्फिडेंस टेक्स यू अंडर सो इट्स बेटर नॉट टू वॉइस योर कॉन्फिडेंस सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू अल्लाह दैट यू नो बेगिंग के आई वॉन्टेड टू work out for me because obviously I put my heart and soul into something so and everyone does so they wanted to work out so I wanted to work out but there's a really beautiful story behind it so when this Ishqiya came out I had announced a break or let's say whatever from the chale acha aapne khud hi chhed liya ha from the industry yeah and you know all of a sudden I could see the real faces of people turning out you know that news and real faces of people turning out something really funny happened I was talking to somebody on the phone and I was talking about Ishqiya only when it had come out and I was like I was sharing my concern and I was like you know this needs to be done yeah that needs to be done and whatever so the person did not respond to me very happily on the phone call acha and even though the person was really scared after what he said Achha. And someone who really you know matters in the batayenge ki kaha kya I think it doesn't matter because what God did was he elevated me in his face and what he thought it just turned out really something else because he thought that I was concerned about a few things because first I think two or three episodes they didn't do well but later it just went like boom later ki baat hum of course it was going down ya ek plain static tha bilkul aur phir ekdam shaadi hoti hai yeah and it just went out of the park yeah ye jo chemistry thi and this is the first time you shared the screen with Hania yeah. aur log expect nahi kar rahe the ya shayad kar rahe the लेकिन जब हमजा की और रुमैसा की शादी होती है उसके बाद जो वो केमिस्ट्री बनती है उसके बाद लोगों ने एक्चुअली मुझे कॉल करके हमने देखना शुरू किया है अब इन दोनों की वजह से yeah. ये क्या था ये केमिस्ट्री क्या थी ये मतलब आपकी दोस्ती थी पहले हानिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बात होती थी कि यार ये बड़ा अच्छा चल रहा है या See, the thing is, me and Hania, वाइब क्या थी हम मैंने और हानिया ने कभी काम पहले नहीं किया था हाँ. लेकिन हम लोग ऑब्वियसली वो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग सोशल पैच पे इतना मिलते थे और पार्टी करते थे मतलब पार्टी एज इन के कॉन्वर्सेशंस करते थे फन करते थे तो के उस के ऑलरेडी मतलब द वाइब वाज देयर फिर उसके बाद हम लोगों ने आई थिंक मी माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स वुड चिल तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज मीटिंग हर प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम और आसिम भी आपके बड़े अच्छे दोस्त आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा भाई है इनफैक्ट तो हम लोग जब मिलते थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि सेट पे मैं पहली दफा हानिया के साथ मिला था या कुछ With Ramsha, I had already worked before. बिल्कुल वो एक पल में. Exactly. और रमशा के साथ मुझे ऐसा स्पेस मिला ही नहीं था कि मैं उसके साथ शायद इतना कंफर्टेबल सीन्स मुझे करने पड़ते मोस्टली मेरे और उसके सीन्स जो थे वो यूनिवर्सिटी में थे और देयर इज अ सर्टेन बाउंड्री एंड लाइन दैट यू कैन एक्ट इन एंड वी हैड टू जस्टिफाई दैट इट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड रमशा गोयल विद हानिया ऑन द अदर हैंड we got married in the show and obviously when you move into a bedroom scene so it's more cozy and you have to make it believable that two people are married and what's happening now right so obviously then later it also comes in the show that you know Rumaisa Rumi was to become mother of my Hamza's child so again obviously that happens intimacy to Tina that happens with chemistry you know you have to show that these people they love each other and they whatever but it worked out because she's a very comfortable and a very very fine co-actor I really loved working with her yeah so I'm going to go into sticky territory now sure. chemistry on screen thi bilkul I give you the place that you can ask me whatever you want yeah. I will go into uncomfortable territory taking advantage of that relationship that I have with you and ask you that logon ne us chemistry ko leke aur usko construe aise kiya ki shayad in dono ke beech mein waqai koi relationship hai aur ittefaq aisa hua ki Hania ki relationship bhi Asim ke sath she broke up during the same year और आपके रूमर्स हैं विल एड्रेस देम लेटर बट
देयर वाज सो मच रूमर मॉन्गरिंग ऑनलाइन और लोगों ने जी प्रोग्राम्स कर दिए कि केमिस्ट्री और होम ब्रेकर और हाउ डिड यू फील डीलिंग विद दैट. देखिए जी आसिम और हानिया के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज यू नो दैट्स नॉट माय प्लेस टू से और स्पीक अबाउट मी एंड हानिया. व्हाट आई रेड वाज रियली डिस्टर्बिंग. व्हाई डिस्टर्बिंग? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साथ भी माँ बाप की एक एनर्जी लगी हुई है. हमारे साथ हमारे भी इमोशंस होते हैं. लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे एहसास हुआ ना, वो थोड़े दिन पहले इमरान खान ने एक फ़ोटो लगाई थी. मैं इस बात को इस तरह लेके चलना चाहता हूँ. एक फ़ोटो लगाई थी जब वो आई थिंक ही वॉज विजिटिंग अफगानिस्तान एंड ही वॉज देयर एंड ही वॉज प्रेइंग ऑन अ प्रेइंग मैट and the caption was as such that through prayer I was able to fight the fear of being humiliated by people, being loss of life, right, fear of death. To ye jo mere sath jo 2020 mein sab hua, mujhe aisa lagta hai ki this was my journey that I had picked up for myself. Right. Or maybe, sorry, I'm really sorry. Not I had picked up for myself. That was decided for you. Yeah, that was decided for right. you. Because you go through this path and then you see that nothing really can kill you. But what the most sad, the most upsetting bit was that it could take me 30 seconds to take a screenshot of a chat between me and Hania on that day. Bilkul. And just clear the air. Bilkul. Lekin main dekh raha hu itne senior journalists jo hain wo अपने 2 रुपए के लिए फजूल बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस है कि क्या होता था सेट पे, तो पता नहीं क्या होता था या कैसे होता था. जहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ यार हानिया आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, उसने मुझे मैसेज किया कहती है व्हाट द हेल ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाई एम आई बीइंग ड्रैग्ड इनटू एनीथिंग. आई एम लाइक आई एम रियली सॉरी, आई एम टॉकिंग टू माई लॉयर्स माई पीपल. इट कुड टेक मी लिटरली व्हाट 20 minutes to send all these guys lawsuits. एक बंदा है अली हैदर जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है. आई डोंट नो वो मुझे सुन रहा है या नहीं, बट लेकिन वो सुनेगा, उस तक पहुंचेगी बात. वो समा का जर्नलिस्ट है और मुझे उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता था. मैं सिर्फ इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो बंदा है जो कहीं ना कहीं हमसे लेट से 10 मील दूर, लेकिन है 10 मील दूर. बाकी तो जितने भी पेजेस हैं वो अनऑफिशियल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता. बिल्कुल. और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इधर उधर देख के मजे लेके चस्के लेके बात कर रहा है दैट यू नो हमारे पास ये भी है वो भी है और इनके पीछे ऐसे चलता था तो फिरोज ने ब्रेक ले लिया, उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था. उसको ये नहीं पता कि जो प्रोजेक्ट मेरा अभी आ रहा है दैट्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन दैट हैज बीन डन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन. वी टॉक अबाउट खुदा और मोहब्बत. वी टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत. ठीक है, such dramas are not made. So this is what my point was, ki all these things they only happened in my favor. And God never failed to elevate me. I feel that it has only helped me become more stronger. And I think it has just got me more strength. Knowing you and yeah. you've been known to be hot headed and yeah. fiery aur maar dhaar sadak pe gaadi rok ke, you know, kisi ne गलत बात कर दी है वो. हाउ डिड यू मेंटेन योर काम थ्रू ऑल ऑफ दिस? हाउ आई मेंटेन माय काम थ्रू ऑल ऑफ दिस इज बाय द ओनली सोर्स ऑफ सुप्रीम दैट दिस वाज माय प्रॉब्लम, दिस बीइंग हॉट हेडेड. आई डोंट थिंक दैट आई टेक प्राइड इन इट एनीमोर. आई थिंक पेशेंस इज वर्च्यू. यू नो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट द वन who becomes aggressive and fights is not powerful. The one who endures, the one who takes it down and shows patience is the one who's more powerful. So I think this has just made me more powerful. I did not have this such patience that not to respond to something that just I don't care about. Right. And I think, yeah. Aapne bada dignity ke saath you maintained silence. Yeah. And the same goes for Hania. I think you both handled it very well. Yeah, yeah. And you're still very good friends. Yeah, alhamdulillah. And we hope to see you. We were just together, I think last night I met her. Yeah. And I was laughing at her. And every time that I see her, I'm like, I'm sorry, yaar, I'm really sorry. I don't know what's going on. There's that, the other. And she laughs about it as well. But I think it's her personality as well that
never made me feel that, you know, anything bitter. And she was like, yaar, it's just, you know, this is how it happens. वो एक सैक्रिफिशियल गोट है, कोई बात होती है तो जी आपको गले पे छुरी रख दी कि अच्छा आप इसको कुर्बान करते हैं. डोंट डू दैट. मेरे ख्याल में शायद इतना बड़ा बात का बतंगड़ ना बनता अगर उनका भी ब्रेकअप ना हुआ होता. एंड देन देयर वर रूमर्स ऑफ योर सेपरेशन एज वेल. Are we going to go? Would you like to sort of say anything about that? I think I have never spoken about my family or my family matters. And I would like to keep my my calm and my silence on this matter. Anything that comes out should be through a proper source. Right. But I would request, मैं ये बात चाहूँगा कि मैं अपने fans को और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए अपना दीन माना बेचो यार. किसी के जानते नहीं हो, किसी के बारे में बात नहीं, पता ही नहीं है कौन है उसके बारे में. क्या एक YouTube चैनल बता के कुछ हज़ार व्यूज़ के लिए और उनसे कुछ हज़ार पैसे मिल जाएंगे, उनके लिए क्या किसी की ज़िंदगी को बेचना. तो आई थिंक दैट मेक्स नो सेंस. जब कोई बात कहने वाली होगी तो वो आप खुद लोगों को, अगर वो बात है यू नेवर स्पोकन अबाउट योर फैमिली एंड जब होगी बात करने वाली तो आपसे ही आएगी, नॉट के लोग स्पेकुलेट करें. बट आई थिंक मुझसे ज़्यादा कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है, मुझे लगता है कि आप मुझे ये बात समझ आइए कि देर इज़ अ रीज़न वाई देर इज देर लॉयर्स वाई देर पीपल, यू नो. आई थिंक माई टीम इज़ देयर नाउ. आई हैव हायर्ड अ कपल ऑफ पीपल. माई टीम हैज़ बिकम माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है अब इस सारे सिनेरियो के बाद. तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आई थिंक देयर इज अ होल टीम. बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ लोगों को कि लिटरली दो दिन लगते हैं साइबर क्राइम वाले आपको घर से उठा के ले जाएं, किसी के बारे में गलत बात करें और वो आपको हवालात के पीछे फेंक दें. बेशक वो कोई भी हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई बंदा हो, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और वो किसी के बारे में बात करता है, इट टेक्स टू मिनट्स कि आपको घर से ऐसे करके उठाएं और आपको हवालात के पीछे फेंक दें और आप कुछ नहीं कर सकते. सो बी वेरी केयरफुल. नो दैट पीपल देयर जस्ट क्वाइट, दे लाइक टू नॉट रिस्पॉन्ड बट देयर नॉट वीक. ये अच्छा मैसेज था. yeah. ठीक है. कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर्स एंड द रोल्स दैट यू हैव डन इन द लास्ट 2-3 इयर्स, एक सीक्वेंस बना है आपके हिट ड्रामास का, अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर एग्जांपल जहाँ से, आई मीन मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद लाइक गुलेराना फॉर एग्जाम्पल, फिर वो एक पल, फिर खानी, इवन इश्किया, रोमियो वेड हीर. नहीं वो अलग है. रोमियो वेड हीर और दिल क्या करे को मैं अलग रखनी. अच्छा, ये मुझे रोमियो वेड हीर को मैं इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोमियो वेड हीर वॉज सच एन इम्पोर्टेंट, और मेरे पास जो उसका रिकॉर्ड भी जो सारा मेरे पास पड़ा हुआ, ऑब्वियसली माई टीम, माई फैंस आर माई टीम, यू नो. उन्होंने जो चार्ट्स बनाए हुए हैं, इट वॉज नो वे बिलो 11 TRP. Yeah. 10 TRP, and that's not a joke. But that's not the character that you're known for. No, but you know what? The character that I had played before, that was acha. Romeo is here. I think gave me popularity within kids. Right. You know, these right. little kids, literally those kids that I could not even sometimes believe that they would be able to talk or communicate. And they would be like, तुम रोमियो शो मी हो, and I'm like, yeah man, that's who I am. So I think it really worked in my favor. अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे लिए रोमियो शो मी हो नहीं था, मेरे लिए था. ठीक है, हमारे लिए मीर हादी था. थैंक यू. हमारे नहीं, ये पता नहीं थैंक यू वाली बात है, मैं मुश्किल सवाल पूछने लगी हूँ. हम क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं नेगेटिव एंग्स्टी बॉर्डर लाइन अब्यूसिव कैरेक्टर्स को, जो कि इन चार पांच आपके जो ड्रामे थे वो एक पल में यू मर्डर समबडी बाय मिस्टेक, लेकिन वो हॉट हेडेडनेस और वो नहीं, हॉट हेडेड नहीं था वो एक पल में वो हॉट हेडेड नहीं था. खानी के अंदर आई थिंक दिस गाय वाज हॉट हेडेड, बट द स्टोरी हैड सच अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट आई बिलीव के मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है खानी देखने के बाद कि ऊपर हमें यकीन होता है कि ऊपर खुदा है. डू यू गेट इट? तो ये मेरे लिए तो बहुत रिवॉर्डिंग बात हो गई ना कि अगर इस तरह की कोई किसी को फीलिंग आ जाती है और जो स्टोरी वो घूम के जाती है जिस तरफ, पता चलता है कि एक मिस्टेक से व्हाट ही एंड्स अप फाइंडिंग इज गॉड. That's a really good way of seeing it, and that is what people took away at the end. Yeah. लेकिन फिर हमजा का कैरेक्टर भी borderline aggressive ही था ना, पूरी जिंदगी वो उस लड़की को तबाह कर देता है, उसको aggression भी दिखाता है, उसको blackmail भी करता है. But he was never अच्छा. I think Hamza was like that, but Hamza was never a bad person.
He was never a bad person. वो भी hot-headed था ना? He was hot-headed, but hot-headed is not it's not a sign of a bad person. Being hot-headed is not a sign of a bad person. Unless it translates to actions. He was always very nice to Rumi. He would take her to her work. He would make sure that she smiles. She laughs around him. There's proper warmth. There's love. You know, he would respect her. And same goes for Rumi as well, because obviously it's the energy, it's the vibration that goes and comes back. With the Ramsha, I think it was ke, there was, I think there was, I think she did wrong to what I think. Nahi, absolutely. Right? And I think for that, it was Hamza started off with a revenge, but he was not planning on to taking it to a next level. He would, he was giving her some pain, some misery, whatever. But he was not thinking of really, really harming her. Was he? In anywhere in the story, I did not see Hamza. Okay, uski zindagi to kafi azab banayi. Uski married life tabah kar di. Uska miyan usko shak kar raha hai. Honeymoon pe wo ja rahe hain, to wo usko harass kar raha hai. Harass to kar raha tha. Harass kar raha tha. Lekin I think isse bhi bada kuch seekhne ko milta hai. Ke in the end, uske saath Hamza ke saath bhi kuch zyada acha nahi hua. Do you think ke sahi hua uske saath? Hamza ke saath? Haan. यार हमजा को आई थिंक के उसको चांस मिलना चाहिए था क्योंकि उसको भी मिला रमशा को भी मिला ना एग्जैक्टली हमना को भी मिला और किया गलत हमना ने था इनिशियली तो उसका अगर आप मुझे या कोई भी मुझे आके धक्का देगा तो मैं उसको गले तो नहीं लगाने वाला यू नो मतलब फिर ये पिछले साल वाला फिरोज वापस आ गया नहीं ये पिछले साल वाला नहीं है ये मुझे लगता है ये एक फेयर बात है यू नो ईंट का बदला ईंट तो आई थिंक कि या आपके साथ आपको कोई कैसा डील करता है ट्रीट करता है आप उसको वैसा ट्रीट करो बिकॉज आई थिंक फिर उसी तरह उसको पता चलेगा कि हाउ यू नो वो कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार लेकिन फिरोज नहीं सवाल मेरा ये है कि व्हाई इज इट योर फैंस डू यू फील दैट व्हाई Do people find it so easy to glorify you when you're in a negative character, grey character? और ये सारे थे और जो आपके बहुत ही रोमियो वजीर को छोड़ के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे एक तो डीनो की दुल्हनिया और एक दिल क्या करे मरीन जबार के प्रोजेक्ट थे मगर दे डिडंट गेट द काइंड ऑफ रिकग्निशन और फॉलोइंग और अक्लेम दैट यू गेट व्हेन यू आर डूइंग पैसिव अग्रेसिव ग्रे कैरेक्टर्स एज ह्यूमन बीइंग्स Why are we so attracted to bad boys and negative characters? I think not bad boys, but kindness is rare. Do you get it? Haan. Kindness, love, it's hard to find. Hmm. So people wanna probably watch what is happening on daily basis. Like जो routine की चीज़ है ना, अब वो देखना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है. हाँ, अब kindness बहुत rare हो गई है. लोगों को ईमान उठ गया यार, प्यार से, मोहब्बत से. मतलब मुझे जो लगता है मतलब दिल क्या करे में आपका इतना अच्छा कैरेक्टर था इतना वो कोई फरिश्ता सा लड़का था लोगों ने नहीं उससे रिलेट किया मीर हादी से रिलेट किया तो वो आई थिंक मीर हादी वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मीर हादी वाज रियली फन टू प्ले ठीक है इट वाज रियली फन टू प्ले एंड मुझे आई फेल्ट लाइक आई लिटरली मैं उस ओशियन में ना आई बी taking a bath huh. it was like that Meer Hadi was like that there was so much margin there was so much range khelne ko itna kuch tha karne ko itna kuch tha with Arman he was a very like calm Arman just looking chill in, scene tha yeah looking in one place to shayad mujhe lagta hai ki wo dekh dekh ke bhi bol rahe honge ki yaar acha kuch aur karke dikhao na so Hadi mein bahut kuch tha ki you know he would like grab somebody he would kick somebody he would love he would become a poet later you know then what not asking for forgiveness repentance aggression so it was like a lot of things all together in a character but with Arman I think it was just like a very single track character just wanting to do good in life and just good so I think that does not exist just good maybe. Does not exist unbelievable it's unbelievable and I think it's okay yaar thoda sa mirchi thoda sa namak hona chahiye why not नहीं ये बात सही है कि वाकई इतनी अच्छाई जो है वो बिलीवेबल नहीं होती और क्या यार थोड़ा ओरिजिनल हो जाओ कोई बात नहीं हो जाता है गुस्सा भी हो जाता है थोड़ी गलती भी हो जाती है इंसान है दो मार्जिन इट्स ओके या अच्छा अब इस साल आप बड़े सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एक फिल्म है इन द पाइपलाइन और एक ड्रामा है व्हिच इज रेडी टू गो ऑन एयर व्हिच वन शुड वी टॉक अबाउट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टिच बटन बिकॉज़ हमने वी मेट ऑन द सेट जब पोस्टर शूट हो रहा था बड़ी अच्छी वाइब थी सबकी
और मज़ा आ रहा था, थोड़ा एक्शन, थोड़ा कॉमेडी, वेल रिटन, लुक्स लाइक वेल डायरेक्टेड. सो टिच बटन की वाइब बताएं कि क्या था. क्या टिच बटन, आई थिंक जितना काम है अच्छा है. मुझे लगता है कि कभी कभार जो मैंने टच बटन से सीखा, अगेन ये मेरे लिए, ये जो मेरे लिए सारा एक 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 फेज रहा है, ये बड़ा, इसमें मुझे लर्निंग बहुत मिली है. बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक्टर पैदा नहीं हुआ था कि मैं पहले दिन आया हूँ और मैंने मैंने अब मैं एक्टर हूँ और मुझे पता है कि मैंने मेरी राइट मूव्स और रॉन्ग मूव्स क्या हैं. तो मुझे लगता है कि इंसान करने के बाद ही कुछ चीज़ें सीखता है. तो आई थिंक टच बटन फॉर मी, आई वुड जस्ट काउंट इट एज अ as a job, as a learning, as a learning, as a learning. Like I don't want to say anything because but agar waqt pada, zarurat pada to bolunga bhi, darta kisi se nahi hu, lekin but it was a learning. Okay, surprisingly even Sonia said something on the same lines. Jab maine unko pucha to unne kaha wo jinka project hai aap unhi se puche. I don't want to talk about Tish Button. Mujhe lagta hai main Tish Button ke bare mein baat karunga to mujhe shayad मेरी बात करने पे और अटेंशन जाएगी और वो अब मैं देना नहीं चाहता. अच्छा, बहरहाल फिर हमें इंतजार रहेगा जब टच बटन जब कभी रिलीज होगी तो उसके बाद हम फिर बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट खुदा और मोहब्बत, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरियल्स ऑफ द ईयर. उम्मीद थी कि लास्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगा लेकिन अब तो साल खत्म हो गया है, अभी तक नहीं खत्म हुआ. किस फेज पे? ये तो मुझे पता है कि शूटिंग खत्म हो चुकी है यार, ये भी मुझे पता है कि डबिंग हो रही है, और ये भी पता है कि टीजर्स भी बन चुके हैं. तो ये हो क्या रहा है? खुदा और मोहब्बत इज गोना बी अ गेम चेंजर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. ओके, इज गोना बी अ गेम चेंजर. इन व्हाट वे? इन अ लॉट ऑफ वेज, इन अ लॉट ऑफ वेज, इंशाल्लाह. आई वुड से कि जो ड्रामास की क्वालिटी है और जो जो ड्रामास का स्टैंडर्ड है वो बदलने वाला है. आई थिंक आई रिमेंबर सेइंग द सेम थिंग अबाउट खानी राइट बिफोर इट एयर्ड, दैट इट्स गोना बी अ गेम चेंजर. सो आई थिंक खुदा मोहब्बत इंशाल्लाह वुड बी अ गेम चेंजर फॉर द पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री. इट वुड चेंज एवरीथिंग फॉरएवर. बट इन व्हाट वे? स्टोरी फर्क है, एग्जीक्यूशन फर्क है, बजट फर्क है. बजट बहुत फर्क है. अच्छा, एग्जीक्यूशन बहुत फर्क है, स्टोरी बहुत फर्क है. ये सब कुछ है और आर्टिस्ट लोग जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह उसको पकाया गया है, जितना सीरियसली उसको लिया गया है, आई थिंक कि बहुत कम प्रोड्यूसर्स, बहुत कम चैनल्स, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम को इतनी सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ करते हैं. एंड आई हैव मेजर रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु टेक देयर जॉब, हु टेक देयर वर्क दिस सीरियसली. तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ सेवन स्काई, यू नो दैट दीस गाइज आर लाइक class to work with. But aapko nahi lagta Seventh Sky has a tendency of over dramatizing stories? Yeah, they do. Ho sakta hai, bilkul ho sakta hai. But again, kafi sari cheeze jo hoti hain wo ek exercise hoti hai. Main usko bhool raha hu ki usko kehte kya hai. It's a glass room jiske bahar se चैनल्स के जो हेड्स होते हैं वो देखते हैं कि जो घर की खवातीन होती हैं जो ड्रामास देखती हैं उनको क्या पसंद है, वो क्या बातें कर रही हैं, एक डिस्कशन होती है. तो उस ग्लास के बाहर से देखते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनकी बात सुनी जा रही है और वो उनके नोट्स बनते हैं. तो जो भी ऐसा टीवी के ऊपर आप देखते हैं तो उसको उसकी बड़ी वर्किंग हुई हुई होती है. वो करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक इट्स फाइन, इट्स गुड. आपको लगता है कि वही बनना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, या कोई टेलीविजन की जिम्मेदारी भी है? एंड दिस कम्स टू द पॉइंट वेयर यू सेड लास्ट ईयर दैट आई एम लीविंग शोबिज, एंड देन यू डिड खुदा और मोहब्बत और इश्किया भी किया उसके बाद. आई थिंक उससे पहले इश्किया किया था. खुदा और मोहब्बत वाज अबाउट टू रैप अप, राइट? इट्स बीन अ ईयर, राइट? एंड इश्किया आई हैड ऑलरेडी डन. इश्किया तो वाज अबाउट टू गो ऑन एयर, राइट? बट इट्स बीन अ ईयर दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग. It's been a year now. So, matlab, so where do you stand now with your relationship with showbiz? With my relationship with showbiz? See, my Sheikh, Hazrat Sultan Muhammad Ali Sahab, he's the 10th descendant of Hazrat Sultan Ul Arifin, Hazrat Haq Bahu. He has ordered me that I cannot quit showbiz. Why? Because he says that Allah Ta'ala kasam khate hain un hawaon ki jo paigham idhar se udhar pahunchati hain. तो वो हवाएं कौन सी हैं? वो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली इट्स शो, इट्स द इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री. तो और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि
इस जगह पे मेरा होना जरूरी है. आई हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ दिस. आई हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस. सो आई एम रीडिंग इनटू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, लुकिंग इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन. एंड हो सकता है अब हो सकता है प्रोड्यूस करूँ, हो सकता है एक्ट करूँ, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम हियर. मगर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने इस साल ये कहा कि जी इट्स अ बिजनेस, शोबिज इज़ अ बिजनेस. हम यहाँ आए हैं पैसे कमाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए. ये स्कूल नहीं है कि हम लोगों को सिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है. आपको अच्छा लगता है आप देखें, नहीं अच्छा लगता चैनल बदल दें. विद यू आई फील दैट यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए. बारिंग इश्क किया वो मेरे ख्याल में आई वुड पुट दैट डाउन एज लास्ट ईयर प्रोजेक्ट. बट अब नाउ स्पेशली विद खुदा और मोहब्बत, मुझे ऐसा लगता है कि आप एंड विद द वे यू चेंज ओवर द ईयर, आई फील दैट देयर इज अ पर्पज. I think now I feel the most responsible that I have felt so far. Right. Even with my job. Right. I feel I used to smoke. Haan. I've quit smoking. Hmm. I used to do a lot of things that I've, alhamdulillah, I've been taken out of them. All those bad habits. And I believe ke, ab main sochta hoon ki agar main wo sari cheezein karta tha, to jo mere fans the, jo mere, jo mujhe follow karte hain, jo mujhe pyar karte hain, to unko ek tarike ka go ahead milta tha meri taraf se. Ki, you know, you can do it and it's fine. But now I believe ke I have a responsibility that I have to change the game. You know, I have to change it forever. So that's what I'm here for now, and I'll definitely do it by the help of Allah. Does that sense of responsibility, Feroz, come with being a father? That sense kya usse farak pada hai aapke fatherhood se, koi has that changed you in any way? Of course it has. I think fatherhood has changed me forever. And it has God has again I look at things like this, that I don't know how I should put it in the right words, but I think I feel most strong. I feel like I have because of the little guy I have, yeah. And just for that little angel, you know, I have to leave something behind for him. And behind not just assets, property, possession, behind learnings, you know, something that he could look at and he could say that no, if my father could get back up, you know, or if he fought all this situation, so I would as well. Just like how my father had quit smoking, right. And I used to smoke like 2 packs a day, and I would always think that no, you know, my father had quit, so I'm going to give it a shot, and I will be able to do it. So I'm sure that inshallah. So you feel sense of responsibility ab hai because obviously yaar, I'm na, I mean, aap kya expect karte ho 27-year-old ya aap ek 27-year-old se jo, you know, Allah ne izzat de di, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह दे दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो कि एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है. कोई आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको होल्ड कर रही है. तो बंदा सीखते सीखते ही सीखता है. इट्स लाइक दिस, इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स, यू नो, कि ये घूमते घूमते घूमता है. तो अब चीज़ों को ज़्यादा समझ आना शुरू हुई है. सोशल मीडिया के साथ भी आपकी बड़ी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रही है. लोग कहते हैं कि ओहो, फिरोज चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है वापस. द वे आई सी इट, इट्स मोस्ट नेचुरल. समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक. इज दैट व्हाट इट इज और इट्स समथिंग? आई वाज इन माउंटेन्स फॉर द पास्ट 2 मंथ्स, यू नो इट. तो मैं पहाड़ों में जब जाके मैं कैंपिंग कर रहा था, तो वहां पे वी वर डूइंग ऑफ रोड लाइक टीम सुल्तान. ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह वॉज एबल टू सिक्योर फर्स्ट पोजिशन बी स्टॉक ऑफ रोड रेसिंग. तो वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें नहीं थी. मैंने कुछ किसी को नहीं बताया मैं पहाड़ों में था. तो लोग तो बातें करते हैं यार. कोई कह रहा है, पता नहीं कुछ कह रहा है मेरे बारे में, कोई कुछ कह रहा है मेरे बारे में. और अभी कुछ अभी रिसेंटली तो पता नहीं मैंने अपने बारे में क्या क्या सुना है. क्या क्या सुना है? व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? Man, I don't want to even go there. बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इससे किसी को कोई फायदा होता है तो करो. You know, I will. हो ही रहा है तो कुछ लोग कर रहे हैं ना. But I will, if that can stop my rise, sure, try. Yeah. और personal है, professional है, professional में एक responsibility है, all of that.
खुदा और मोहब्बत के बाद यू आर लुकिंग एट स्क्रिप्ट्स यू आर सेइंग एंड यू आर गोइंग टू केयरफुली चूज व्हाट यू विल डू नेक्स्ट वेरी केयर खुदा और मोहब्बत के बारे में बताएं हाउ वाज इट वर्किंग विद इकरा एंड व्हेन विल वी सी इट ऑन एयर You get, I think you'll get to see it on air very soon. The teasers are ready. बड़े kind हैं कुछ actors जिन्होंने मैंने जिनसे जिन मतलब मुझे लोगों ने बताया है कि they said that they really liked watching the those teasers. जी और बड़ा उनको मैं भी देखना चाहूँगी वैसे इतना तो मेरा भी हक बनता है. But teasers are ready. I think it's gonna land any time on TV screens. Right. और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत ज़्यादा anticipation है सीरियल वर्किंग विद इकरा वाज रियली गुड वेरी प्रोफेशनल एंड आई थिंक प्रोफेशनल इज द ओनली वर्ड आई वुड लाइक टू से फॉर वेरी नाइस अच्छा शुड आई बी वाचिंग खुदा और मोहब्बत 1 एंड 2 टू अंडरस्टैंड खुदा और मोहब्बत 3 बिकॉज़ मैंने नहीं देखे थे नो आई डिड नॉट वॉच खुदा और मोहब्बत 1 एंड 2 आपने नहीं देखा नहीं जी राइट बट क्योंकि अंजुम शहजाद जी मेरे टीचर हैं बिल्कुल और मुझे उनकी क्रिएटिविटी पे जरा बराबर भी शक नहीं है तो मुझे पता है कि उन्होंने बहुत कमाल काम किया होगा लेकिन मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मेरी टीम बिल्कुल डिफरेंट थी बिल्कुल फर्क मतलब वजाहत हुसैन हु हैज डन अ फैबुलस जॉब बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है मतलब मैंने बड़ा कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मैं पहली दफ़ा काम करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है अच्छा तो मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आया सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बहुत मजे की चीज़ बनी है और बॉल पार्क गिव मी द स्टोरी लाइक द जॉनर मतलब जॉनर तो ऑफकोर्स पता है मगर जरा सा क्या इक्वेशन है आपकी और इकरा की I think I won't be able to explain it. Achha. But it's very close to reality that life, all of us, we're not made aimlessly. We have a journey that that will take us to where we eventually have to be. And that's how it just goes on. You know, एक लड़का है जो उसको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है. वो बिल्कुल ही किसी और जोन में चल रहा है. और अचानक से उसको एक ओम करके आके प्यार लगता है और जब वो लगता है तो एवरीथिंग चेंजेस फॉरएवर सो या आई थिंक हजरत मौलाना रूमी की एक कोटेशन मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है बट इन दैट ही सेज दैट आई फील फॉर द सेपरेटेड वंस बिकॉज ओनली दोस कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग आई डोंट नो इफ आई सेड इट राइट आई डोंट नो व्हेदर यू सेड इट राइट बट ऑफ कोर्स इट्स समझ आती है exactly. of course. मुझे exactly नहीं मुझे हाँ. वो कि क्या उसका वो था कि ये बड़ी मुझे लगता है कि कमाल बात है तो खुदा और मोहब्बत आई थिंक देयर इज नो बेटर वे आई कुड एक्सप्लेन इट जबरदस्त फिरोज हमने बहुत सारी बातें की एंड वी रिस्पेक्टेड योर पर्सनल स्पेस एंड आई होप पीपल विल एज वेल एंड दे हैव टू They don't have to, but no, I hope. But I don't. I'm not giving them a choice. it is what it is. Huh. So I think that's what I learned because I was always Amna. I cannot thank God. Like I've just fallen in love with Allah. That you know, fear of being answerable to people and no, I have to maintain a peace of mind, this image of mine, and whatnot. Again, Hazrat Maulana Rumi says. That live where you fear to live, destroy your reputation, ruin your reputation, be notorious. So it's not just said for just like that. There's a reason behind it. So whatever's happening, I think perfect. 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 And आगे क्या उम्मीद है 2021 से? I'm smashing it. Yeah, Alhamdulillah. अभी तक साइन कुछ नहीं किया तो स्मैशिंग इट कैसे खुदा और मोहब्बत के साथ यार मैं कभी भी कुछ नहीं करता सब कुछ खुद होता है खुद हो जाता है तो वो सब हो जाएगा आई हैव फुल फेथ सब हो जाएगा डजंट मैटर आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग टू स्टेप इनटू अ न्यू ईयर विद आई होप कि जितनी लोगों ने इट्स अ फ्राइडे मैन सुल्तान वाज बोर्न ऑन अ फ्राइडे द 3rd सो आई मीन फ्राइडे हैज लाइक एंड फ्राइडे इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग डे एंड न्यू ईयर स्टार्टिंग विद फ्राइडे So I have like is it? Yeah. No. Yeah, it is starting with a Friday. Huh. So I have like I think this year is for me. Huh. Yeah. Good. I think that's a great sentiment to step into the new year with. Yeah. खास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने बीमारी देखी इस साल और डेथ्स देखी डेविस्टेशन देखी I really want to say that all those people